मैंने कहा आप तो बहुत अच्छा बोलते हैं। तो बोले कि सभी लोग कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा बोलता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि जितना बोलना चाहिए, जितना होना चाहिए, उसका क्षण मात्र में जानता हूं। अगर ये 100% है तो उसमें से मैं 5% जानता हूं। हाँ, ये है कि इस क्षेत्र में लोग कम जानते हैं, इसके लिए जितनी साधना की जरूरत है, जितने तप की आवश्यकता है, वो बहुत कम होता है, हो नहीं पाता। केवल पढ़ने से ही ज्ञान नहीं आता है, उनका कहने का तात्पर्य जब तक कि अंदर से शोधन न हो। तो करते 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 वो इस बात पर आ गए, बोले कि जब हम दिल्ली से यहां आते हैं तो लगता है कि हमारे अंदर नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, नई ऊर्जा आ रही है, नया उत्साह आ रहा है। जैसे ही देवभूमि में आते हैं तो सारी हवा बदल जाती है, सारा वातावरण बदल जाता है। तो मैंने कहा ऐसा कुछ इस वैदिक ज्ञान के माध्यम से आप कह रहे हैं क्या? वैसे तो हमको भी लगता है हम दिल्ली जाते हैं तो वहां एकदम ही वातावरण चेंज हो जाता है, यहां जैसे शुद्ध वायु, शुद्ध वातावरण हमको मिलता है। तो समझ, और वहां जाते हैं तो ऐसा लगता है कई बार कि गैस के चैम्बर में तो नहीं आ गए, प्रातः काल से लेकर जिस प्रकार का पॉल्यूशन होता है। तो फिर वो जो असली बात पर आए, जो मैं आप सबसे साझा करना चाहता हूं, उनकी असली बात थी, उन्होंने कहा कि ये ऋषियों की भूमि है, ये ज्ञान की भूमि है, ये आयुष की भूमि है, ये योग की भूमि है, धर्म की भूमि है, अध्यात्म की भूमि है और देवभूमि है। यहां पर हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने अनेकों अनेक साधनाएं की हैं, अनेक अनेक तप किए हैं, अनेक उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए हैं और पता नहीं असंख्य मात्रा में उन्होंने मंत्रों का मंत्रोच्चारण किया है। तो जो मंत्रों का उच्चारण होता है, जो वेग होता है, जो उसकी ऊर्जा होती है, ये ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती है, ये ऊर्जा हमेशा प्रभावमान रहती है किसी न किसी रूप में। तो उनको कहना था कि देवभूमि में ये ऊर्जा सदैव विद्यमान रहेगी। मुझे यहां पर आकर लगता है कि यहां पर जो है हर कण कण में देवता विराजमान है, हर कण कण में वेद विराजमान है, हर कण कण में संस्कृति विराजमान है, हर कण कण यहां देवभूमि है। हर जिस पर्वत पर भी जाइए, जिस श्रृंखला पर जाइए, वहीं देवों के दर्शन है। तो इसलिए हम सबको सौभाग्य है कि हम सब लोग इस पवित्र भूमि पर, और जो भी देवभूमि में पैदा हुआ है और पैदा नहीं भी हुआ है, जैसे शर्मा जी की टीम आई है, अब पैदा तो नहीं हुए यहां, लेकिन देवभूमि से आप भी जुड़ रहे हैं। तो जो भी देवभूमि में पैदा हुआ है, देवभूमि में जुड़ा है, कर्म के लिए आ रहा है, धर्म के लिए आ रहा है, तो उसके ऊपर देवों की कृपा है, भगवान की कृपा है, इससे हो जाए। तो आपके ऊपर भी और आपकी टीम के ऊपर भी, जिन लोगों से अभी हम लोगों ने यहाँ पर MOU साइन किया है, वो सबके सब जो है भगवान की कृपा पा रहे हैं। हम लोग तो है ही हैं, आप लोग भी हो गए। तो मैं आप सभी का बहुत यहां पर स्वागत करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी इस पुण्य भूमि में आयोजित हो रहे इस महामंथन से अवश्य ही ज्ञान रूपी अमृत निकलेगा और जो हमारे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक रूप से सुधार करने में सहायक सिद्ध होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज एक नया भारत, ऐसा भारत जो दुनिया को दिशा देने वाला भारत, समरस भारत, समर्थ भारत, शक्तिशाली भारत और दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत, ये भारत निरंतर बनता जा रहा है। अभी आप सब विद्वानों के बीच में मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि G20 की जो अध्यक्षता भारत को मिली है और उसमें से भी तीन तीन दिनों का जो प्रतिनिधि मंडल है मई और जून के माह में हमारे उत्तराखंड भी आने वाला है। तो
दिन से मैं प्रधानमंत्री जी का इसके लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे उत्तराखंड की पहचान वैश्विक स्तर पर जाएगी। उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड का हमारा पूरा यहाँ का कल्चर, यहाँ का रहन सहन, यहाँ की जो हमारी ये उत्पाद है, उन सभी को वैश्विक स्तर पर जाने का मौका मिलेगा। आज प्रधानमंत्री जी के रूप नेतृत्व में एक नया भारत, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। अभी जो वैश्विक आंकड़े आए हैं जिसमें हमारी ग्रोथ रेट है वह भी तेजी से बढ़ी है। जहां दुनिया के दूसरे देश धीरे धीरे इस महामारी के दौरान उनकी अर्थव्यवस्थाएं चरमराई है, वहीं भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया के पांचवें नंबर की अर्थव्यवस्था बन रही है। ब्रिटेन को पछाड़कर हम पांचवें नंबर पर आ गए। आज भारत की जो नींव रखी जा रही है, हर वर्ग का विकास इसमें सुनिश्चित हो रहा है। ऐसी नींव जिसमें प्राचीन शिक्षा पद्धति और आधुनिक शिक्षा पद्धति दोनों का समीक्षण, जिसके बारे में डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने बहुत विस्तार से यहां पर रखा था आप लोगों के सामने, और दोनों के समीक्षण से बनी हुई नई शिक्षा नीति का अनुसरण किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति को देश ने अपनाया है, वो भी आप जैसे विद्वानों के अथक परिश्रम का ही परिणाम है। और मुझे प्रसन्नता है कि हम लोगों ने पिछले दिनों जो नई शिक्षा नीति को यहां पर लॉन्च किया है, हमारे यहां पर कम संसाधन है, भौगोलिक परिस्थितियां बड़ी कठिन है, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तराखंड राज्य ने नई शिक्षा नीति को यहां पर लागू किया है, दोनों में ही, बेसिक में भी उच्च शिक्षा में भी। और इससे निश्चित रूप से जहां हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे देश के वास्तविक इतिहास और जो हमारी संस्कृति रही है उन सबसे परिचित हो सकेगी, जहां मैकाले की शिक्षा व्यवस्था पर आधारित पुरानी शिक्षा पद्धति युवाओं को केवल नौकरी दिलाने का उद्देश्य रखती थी, वहीं नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमारे युवा उसमें हर प्रकार की जो व्यवस्था की गई है, अनेकों आयाम उसमें रखे गए हैं जिससे कि उनका सर्वांगीण विकास हो, जिसके माध्यम से वो केवल रोजगार पाने की दिशा में न बढ़े बल्कि रोजगार देने की दिशा में आगे बढ़े। नई शिक्षा नीति के माध्यम से यह सब व्यवस्थाएं की गई हैं। युवा एंटरप्रेन्योर बन सकेगा, स्टार्टअप विकसित कर सकेगा। इसके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज कर्मशील भारत हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, और उत्तराखंड भी हमारा हर क्षेत्र में अभी आगे बढ़ रहा है। जहां रोजगार के क्षेत्र में हम लोग तेजी से काम कर रहे हैं, क्योंकि आप सब उच्च शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि हर विभाग में जहां भी हमारे पद रिक्त हैं उन सब रिक्त पदों पर हम तेजी से भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। उसमें कुछ हम जो भर्ती के मेले लगेंगे वहां पर उनको जो हमारे चयनित छात्र हैं, छात्राएं हैं, हमारे बेटे बेटियां हैं, उन सभी को वहीं पर सीधे प्रमाण पत्र देने का काम भी किया जाएगा। आज हमारे उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकार नो पेंडेंसी के आधार पर भी काम कर रही है। और भाइयों बहनों, नई शिक्षा जो नीति प्रभावी ढंग से हमने लागू किया है, कम संसाधन होने के बावजूद भी जिस प्रभावी तरीके से यहां पर शिक्षा नीति को लागू करने के लिए काम किया गया है, उसके लिए मैं हमारे उत्तराखंड के जुझारू और संघर्षी, लगातार संघर्ष करने वाले शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी को, उनके विभाग को, सबको ढेरों बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अभी आपने मॉडल कॉलेजों के बारे में बात करी है कि हमारा लक्ष्य है कि आने वाले सालों में हम अधिक से अधिक मॉडल कॉलेजों को स्थापित करें। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हम मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी हमारी सरकार तेजी से काम कर रही है। इसमें निजी क्षेत्र की जो संस्थाएं हैं वह भी उच्च शिक्षा के प्रसार के लिए, हमारे नौनिहालों को शिक्षित करने के लिए लगातार काम कर रही है और अपना सहयोग
साक्षात प्रत्यक्षम किम प्रमाणम कि हम लोग यहाँ बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं निजी क्षेत्र की संस्थाएं भी इसमें सहयोग प्रदान कर रही है। भाइयों बहनों, सरकार छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास तथा शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक जो भी परिवर्तन है उन सब परिवर्तनों को करने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। इस दिशा में आज यहाँ पर जो एमओयू साइन किए गए हैं, उद्यमिता और कौशल विकास के क्षेत्र में देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद के साथ उद्यमिता संवर्धन हेतु एक समझौते पर आज यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस क्रम में जहाँ छात्रों को वर्चुअल लैब की सुविधा प्रदान होगी, अमृता विश्वविद्यालय पीठम केरला तथा कंप्यूटर दक्षता और आईटी विशेषज्ञता के लिए एडुनेट आईबीएम के साथ भी समझौता किया। उत्तराखंड राज्य के नैक प्रत्यायित की क्वालिटी फैक्ट एवं अनुशंसा रिपोर्ट उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के कार्य की रूपरेखा निश्चित करने में सहायक सिद्ध होगी। राज्य में आवश्यक संसाधनों को सुलभ कराते हुए हमारी सरकार दूरस्थ क्षेत्रों में भी शिक्षा को पहुंचाने के बहुत गंभीरता पूर्वक इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान हम सब ने दूरस्थ शिक्षा के महत्व को भी देखा है। मुझे खुशी है कि दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा पहुंचाने में हमारी सरकार के प्रयास में नैक जैसे प्रतिष्ठित संस्था लगातार सहयोग कर रही है। और डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने जैसा मंच से कहा कि लगातार इस प्रकार के सम्मेलन आयोजित करने के लिए, सेमिनार आयोजित करने के लिए, फिर नैक के जो हमारे शर्मा जी ने कहा अभी यहाँ पर कि जो भी आवश्यक मदद होगी वो डू इट, उन्होंने कहा डू इट जब धन सिंह जी बोल रहे थे, तो वो करने के लिए तैयार है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। राज्य में दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए जो हमारे यहाँ पर कठिन भौगोलिक परिस्थितियां हैं, नैक का क्षेत्रीय केंद्र राज्य के साथ साथ निकटवर्ती राज्यों के लिए भी एक बहुत बड़े उपहार के रूप में, बहुत बड़े हम लोगों के लिए एक लाभ के रूप में सिद्ध होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के अनुरूप संस्थाओं का मूल्यांकन और प्रत्यायन अनिवार्य है। निश्चित रूप से नैक के विशेषज्ञों के परामर्श और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे शिक्षकों और अधिकारियों के सहयोग से हमारे प्रदेश में संस्थाओं की जो गुणवत्ता है उनके अंदर और ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो, और ज्यादा उनके अंदर उद्यमिता और कौशल तमाम प्रकार के जो उनके आयाम हैं उन सभी आयामों को सुधारने में, आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके अथक प्रयासों से हमारी सरकार उत्तराखंड को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक रोल मॉडल के रूप में स्थापित करने में अवश्य सफल होगी। और आप सबको ध्यान ही होगा, जैसा कि अभी शुरू में हमारे उद्घोषक कह रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाबा केदार की भूमि से 5 नवंबर 2021 को ये शब्द उनके मुंह से निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और उनके मुख से निकली ये अमृत वाणी इसको कई क्षेत्रों में वो चरितार्थ हो रही है। चार धाम यात्रा इस बार जो हमारी शानदार तरीके से आयोजित हुई, कावड़ यात्रा पूरा हमारा पर्यटकों के लिए और राज्य के लिए भी जिस प्रकार से रिकॉर्ड तोड़ इस बार यात्रा हुई है, वह वाणी उनकी आगे बढ़ रही है, साक्षात रूप ले रही है। उसी प्रकार से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी हम एक रोल मॉडल के रूप में पूरे देश में कैसे जाने जाएं, और 2025 तक जब हमारे राज्य की स्थापना का रजत जयंती वर्ष जब हम मना रहे हों, उस समय तक हमने शिक्षा के क्षेत्र में कितनी गुणवत्ता का कार्य किया है, कितना जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसका किस प्रकार से हम उसको लागू करवा पाए हैं, किस प्रकार से कितने लोगों को हम आगे बढ़ा पाए हैं। और एक जमाना होता था कि जब महाविद्यालयों में पढ़ने वाले, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, डिग्री कॉलेजों में पढ़ने वाले या पढ़ाने वाले
उनका जो आदर और जो सम्मान होता था, पढ़ाने वालों का तो हमेशा ही सम्मान है, जो शिक्षा देने का काम करते हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, उनको तो हमारे जो है आदि अनंतर से लेकर लगातार उनका एक दर्जा इतना ऊपर है जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन जो पढ़ते थे, जो बच्चे हमने देखा कि महाविद्यालय में पढ़ते हैं, कुछ कहते डिग्री कॉलेज में पढ़ते हैं, और उससे बड़ी बात कहते थे ये यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, कोई कोई होते थे। तो वो जो हमारा एक काल था, मैं कहूं वैभव का काल, हम आगे भी बढ़े हैं, तेजी से आगे भी बढ़े हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हो, ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो हमारा वो वैभव था, जो माँ भारती का वैभव था, जो हमारा परिवेश था, जो हमारी संस्कृति थी, वह भी बनी रहे या अगर दूर चली गई है तो पुनः वो लौट कर आए, उस दिशा में हम सब कुछ कार्य कर पाएंगे। तो मैं समझता हूं कि ये चिंतन हमारा बहुत ही सार्थक होगा, और मुझे पूरा विश्वास है इस कार्य में आप सभी विद्युत जनों का, जो हम 2025 को हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हों, उस काम के लिए आप सभी का बहुत सहयोग चाहिए। अनेकों अनेक माध्यमों से आप एक महाविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में, स्नातकोत्तर कॉलेजों में आप पढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी समाज में बहुत सारी भूमिकाएं हैं। कैसे लोगों को जागृत किया जाए, कैसे लोगों के अंदर चेतना लाई जाए, कैसे उनके अंदर एक उत्साह पैदा किया जाए, कैसे उनके अंदर नई ऊर्जा का सृजन किया जाए, कैसे नई ऊर्जा उनके अंदर पैदा की जाए, इस दिशा में भी जरूर हम सबको इस चिंतन शिविर में सोचना चाहिए। और ये दो दिन का जो चिंतन है, ये कोई औपचारिक चिंतन नहीं है। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने मसूरी में हमारे सारे मंत्रिमंडल के साथ, पूरे प्रदेश के हमारे सभी अधिकारियों के साथ एक 3 दिन का चिंतन किया था। उस चिंतन में भी बहुत सारी बातें निकली हैं और एक बड़ा सकारात्मक माहौल बात बना है, नई ऊर्जा मैंने देखा है उस चिंतन के बाद हमारे अधिकारियों में भी आई है। गांव गांव तक जाने की बात, ग्राम सभाओं तक चौपाल लगाने की बात, सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और लोगों के अधिक से अधिक सुविधा, अनावश्यक लोगों को चक्कर ना काटने पड़े, ऐसे तमाम बिंदुओं पर कि राज्य की जो हमारी आर्थिकी हो कैसे दुगनी हो, कैसे डबल हो, GSDP कैसे बढ़े, किन किन क्षेत्रों में हमें ज्यादा प्रयास करना है, कहां हम और अच्छा कर सकते हैं, बहुत सारा उन सत्रों में वहां पर चिंतन हुआ है। और मुझे खुशी है कि मैं जब उस चिंतन शिविर के पहले दिन गया था तो मुझे लगा कि इतना काम होगा कि नहीं होगा, लेकिन जब तीसरे दिन में अंतिम दिन मैं देख रहा था, सबसे मिल रहा था, तो सबके अंदर एक नया उत्साह था, नई ऊर्जा थी। तो मैं आप सबसे भी चाहूंगा कि इतना मुक्त चिंतन करिए, उन मुक्त चिंतन सबके साथ मिलकर, इसमें जरूर है कि कुछ यहां से स्पीकर बनाए होंगे, कुछ लोगों के सत्र निर्धारित किए होंगे, लेकिन सारे लोग इस उन्मुक्त चिंतन में अगर सहभागी बनेंगे, सभी भाग लेंगे, तो मैं समझता हूं कि बहुत सारी जो आपकी जिज्ञासा होगी वह भी शांत होगी, बहुत सारे प्रश्नों का आपको उत्तर मिलेगा, और बहुत सारी जब सामूहिक चिंतन होता है तो उसमें से जरूर न जरूर कुछ ऐसी चीजें निकलती हैं जो अमृत का रूप लेती हैं, और वो अमृत सभी के लिए लाभदायी होता है, सभी के लिए जरूरी भी होता है। अमृत हर किसी को इस चिंतन शिविर में से मिले, मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। विशेष रूप से अनेक बेंगलुरु के निदेशक प्रोफेसर एससी शर्मा जी सहित वहां से आए हमारे अन्य विशेषज्ञ, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आप हमारी संस्थाओं के में हमारा सहयोग और मार्गदर्शन निरंतर प्रवास होता रहे, निरंतर आप आते रहेंगे, हम हमेशा जो है आपका इंतजार करेंगे कि आप बार बार आए और हमारी सभी संस्थाओं को मार्गदर्शन कर इस कार्यशाला के माध्यम से जो प्रशिक्षित कर रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद पुनः इस चिंतन शिविर के भव्य आयोजन के लिए, जहाँ इसके आयोजकों को और पधारे सभी विद्वत जनों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।